बात हुई आपके अब्बू से? नहीं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। मैं वाकई मुझे कोच से फेंक गई थी, आपको कभी कोई कसूर था? तुम्हें अब तक यकीन नहीं आया? फातिमा, मुझे एक बात बताओ, पहले तो तुम्हारी शख्सियत में, तुम्हारे लहजे में इतनी नेगेटिविटी नहीं थी, ये अब क्या हो गया तुम्हें? मैंने सारी जिंदगी धोखे खाए हैं, आज आप मुझसे पूछ रही हैं? तो सुने, इस नेगेटिविटी की वजह आप हैं, आपका रवैया है, अब्बू है, हानिया है, अम्मी है, सब है, और अब सब मुझसे पूछते हैं कि मैं नेगेटिव क्यों, कि मैं इतनी बुरी क्यों, सबकी क्या वजह है? तुम मुझ पे शक करती हो? मेरी वो नाराजगी, रोक टोक सब तुम्हारी तरबियत का एक हिस्सा थी। कहाँ गई आपकी तरबियत? वो सारी तरबियत अब कहाँ है? मेरे माथे पर तलाक के दाग के सिवा अब कुछ नहीं रहा। ये सब भी अम्मी की तरबियत है ना मेरी, उनकी कोख का असर। अश्मत का फोन है। जी अश्मत, या अल्लाह तेरा शुक्र। क्या? नहीं हशमत, आप उस औरत को मेरे घर लेकर नहीं जाएंगे। हशमत, हशमत, क्या हुआ? हशमत का फोन था, केस खत्म हो गया, लेकिन अब वो साहिरा को अपने घर लेकर जा रहे हैं। वलीद, तुम मेरे खिलाफ FIR कटवा तो रहे हो, लेकिन याद रखना मैं खामोश नहीं बैठूंगा। कहने के लिए है ही क्या तुम्हारे पास? कहने को तो खैर बहुत कुछ है मेरे पास। खैर, तुमने अपना असर रसूख पुलिस में तो इस्तेमाल कर लिया, लेकिन याद रखना ये वो दौर है जिसमें सजा पुलिस नहीं देती बल्कि सोशल मीडिया देता है, और ऐसी सजा जो इंसान का जिस्म नहीं उसकी रूह को महसूस होता है। जानना चाहोगे कि किसने तुम्हारे घर पर सोशल मीडिया का हमला करवाया? कौन था वो जिसने मुझे इन्फॉर्म किया कि मेरी बीवी तुम्हारे घर पे तुम्हारे साथ अपनी पुरानी यादें ताजा कर रही? बूझो तो जाने, तुम्हारा बेटा दानियाल और तुम्हारी बीवी मोहतरमा हुमैरा बेगम। क्या देखा तुमने? कितने तमीज और कितने एहतराम से मैंने तुम्हारी बीवी का नाम लिया, और एक तुम हो जो मेरी बीवी, मेरी इज्जत को तार तार करने पर तुले हुए हो। लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो तो चुका है, लेकिन एक बात है, अब मैं खामोश बैठने वाला नहीं, मैं अदालत के सामने सच बताऊंगा।